Good evening, class 5th. Today we are going to read a chapter 3rd, The Snake with a Golden Tail. Okay, so today we have to read a story, The Snake with a Golden Tail. आज हम ये स्टोरी पढ़ने वाले हैं. सो वट यू हैव टू डू, यू हैव टू बी रेडी एंड लिसन द स्टोरी वेरी केयरफुली. एंड आफ्टर दैट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम और एनी योर क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. फार फार अवे इन अ विलेज इन आसाम देयर लिव्ड अ फार्मर हु वॉज वेरी पुअर. मीन्स बहुत बहुत दूर आसाम के गांव में, विलेज मीन्स क्या होता है, गांव में एक फार्मर रहता था जो कि बहुत गरीब था. पुअर मीन्स गरीब, राइट. ही हैड अ वाइफ हुज नेम वॉज सुजाता. उसकी एक वाइफ थी, उस वाइफ का नाम क्या था, सुजाता. एंड दे हैड 7 सन्स. और उनके कितने बच्चे थे, 7 बेटे थे, ठीक है. The farmer and his wife worked very hard to support their family. अब जो farmer था और जो wife थी वो बहुत मेहनत करते थे अपनी family को support करने के लिए, right? Every day from morning till evening, the farmer worked in his field. Sujata looked after the होम. और क्या होता था कि सुबह से लेकर शाम तक जो फार्मर था वो खेतों में काम करता था एंड सुजाता घर की देखभाल करती थी. शी स्वेप्ट द हाउस, घर को साफ रखती थी. इसके बाद फेच्ड वाटर फ्रॉम द रिवर. फेच्ड मतलब होता है लेकर आना, नदी से पानी भर के लाती थी. गैदर्ड फायर वुड इन द जंगल एंड कुक्ड फूड फॉर द फैमिली. लकड़ियाँ इकट्ठा करती थी खाना बनाने के लिए. किसके लिए ये सब करती थी, वो फैमिली के लिए, अपनी फैमिली के लिए. आपके मम्मा करते हैं ना फैमिली के लिए, पापा बाहर वर्क करते हैं, मम्मा आपके लिए खाना बनाती हैं, राइट. सो बट द 7 सन्स वर द लेजीएस्ट यंग मैन एवर बॉर्न इन दिस वर्ल्ड. यानी उनके जो 7 बेटे थे वो बहुत ही लेज़ी यानी आलसी थे, और उनसे ज़्यादा आलसी पूरी दुनिया में कोई नहीं था. दे डिड नथिंग एट ऑल टू हेल्प ईदर देयर फादर और देयर मदर. ना तो वो अपने पापा जी की हेल्प करते थे ना वो मम्मा जी की हेल्प करते थे. ऑल दो द फैमिली वॉज सो पुअर. और पूरी फैमिली, इवन इफ द पूरी फैमिली जो थी वो बहुत ही गरीब थी. This made their mother very sad. और इसकी वजह से उनकी माँ बहुत sad रहती थी. And she prayed to God for help. और वो हमेशा भगवान से pray करती रहती थी. Oh God, give me another son. सुजाता prayed. यानी उनकी मम्मी जो हैं वो pray करती थी कि please मुझे कोई और दूसरा बेटा दे दो भगवान. A son who will be a son who will be of help us. यानी वैसा बेटा जो हमारी हेल्प कर सके, राइट. सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज. व्हाट इज गिवन इन द स्टोरी. द पीपल ऑफ द विलेज सेड दैट हर नेक्स्ट चाइल्ड वुड सर्टेनली बी लकी चाइल्ड. तो वो बोलते हैं, गांव वाले बोलते थे कि आपका जो अगला बच्चा होगा वो बहुत ही लकी होगा, लकी चाइल्ड होगा, राइट. द फार्मर एंड हिज वाइफ फेल्ट श्योर दैट दे वुड गेट अ सन. तो उन उस फार्मर और उसकी वाइफ को लगता था, फेल्ट इज अ फॉर्म ऑफ पास्ट फॉर्म ऑफ फील. फेल्ट जो है वो पास्ट फॉर्म है फील का, ठीक है. तो वो क्या फील करते थे, वो ये फील करते थे कि उनका अगला जो बेटा होगा हु वुड बी डिफरेंट फ्रॉम द 7 सन्स दे हैड. यानी जो उनके 7 बेटे हैं उनसे अलग ही होगा. बट व्हेन द नेक्स्ट बेबी वाज बॉर्न, लेकिन जब नेक्स्ट बेबी बॉर्न हुआ, उसका जन्म हुआ, अलास, ओ माय गॉड, इट वाज नॉट एन ऑर्डिनरी बेबी.
वो कोई आम बच्चा नहीं था एट ऑल, इट वॉज अ लॉन्ग स्नेक। तो वो जो था वो बहुत ही बड़ा स्नेक निकला। एज सून एज द स्नेक वॉज बॉर्न इट क्रॉल्ड आउट ऑफ द हाउस एंड डिसअपीयर्ड इनटू द जंगल। अब क्या हुआ, जैसे ही वो स्नेक ने जन्म लिया और उसने थोड़ा सा रेंगना स्टार्ट किया, क्रॉल करना स्टार्ट किया, वो घर के बाहर गया एंड डिसअपीयर यानी गायब हो गया, जंगल में चला गया। सुजाता वॉज वेरी अपसैड। नाउ जो सुजाता थी वो बहुत अपसेट हो गई थी दैट अ स्नेक हैड बीन बॉर्न टू हर, मीन्स उन्होंने एक स्नेक को जन्म दिया। एंड शी वॉज इवन मोर सैड। और लेकिन उससे ज़्यादा वो सैड इसलिए थे क्योंकि दैट द स्नेक हैड रन अवे, जो स्नेक था वो चला गया था। शी क्राइड एंड क्राइड फॉर मैनी डेज बिकॉज हर लक वॉज सो बैड। वो बहुत दिनों तक रोती थी क्योंकि उनका लक जो था वो बहुत ही बैड था, यानी ख़राब लक था। वन नाइट सुजाता हैड अ ड्रीम, एक रात को सुजाता को सपना आया। शी ड्रीम्ड दैट हर स्नेक सन वॉज लाइंग ऑन हर लैप एंड दैट ही सेड। तो उनको सपना क्या आया कि उनका जो बेटा, जो स्नेक बेटा था, वो उनकी लैप मतलब होता है गोदी, तो गोदी में लेटा हुआ था और बोला डोंट बी सैड अबाउट मी मदर, वो बोलता है मेरे बारे में परेशान मत हो माँ, आई हैव बीन बॉर्न अ स्नेक बिकॉज ऑफ अ कर्स, यानी मैं अगर स्नेक की तरह स्नेक बन के पैदा हुआ हूँ तो मैंने कोई गलत काम किए होंगे पुराने ज़माने में, मेरी सज़ा है। राइट, कर्स का मीनिंग होता है टू कॉल डाउन एविल ऑन। राइट, नाउ व्हाट कर्स, शी आस्क्ड हिम, वो बोलती है कैसा कर्स, क्या किया तुमने। तो वो अपनी स्टोरी बताता है, आई वॉज अ रिच मैन ही रिप्लाइड, वो बोलता है मैं बहुत ही अमीर आदमी था, एंड आई हैव स्टोर्ड अप अ लॉट ऑफ गोल्ड, और मैंने बहुत सारा सोना स्टोर करके रखा था। आई डिड नॉट गिव एनीथिंग टू एनीवन, और मैंने कभी किसी को कुछ भी नहीं दिया, नॉट इवन टू माई मदर, मैंने अपनी माँ को भी नहीं दिया। शी डाइड फॉर वॉन्ट ऑफ फूड वाइल आई हैड अ प्लेंटी ऑफ मनी हिडन अवे, बोलते मेरे पास इतना पैसा था, मैंने छुपा के रखा हुआ था, बट मैंने वो अपनी माँ को नहीं दिया। इट वॉज बिकॉज, और यही कारण था, आई कमिटेड दिस ग्रेट सिन दैट आई वॉज बॉर्न अ स्नेक, तो बोलते यही कारण था कि मुझे श्राप मिला, मुझे कर्स मिला कि मैं कभी भी मतलब जन्म लूँगा तो एक स्नेक की तरह लूँगा। नाउ आई शैल पे फॉर माई वीकनेस बाय गिविंग यू एवरी डे 1 inch ऑफ गोल्ड। तो अब क्या होता है, जो स्नेक होता है वो बोलता है कि अब मैं जो है मुझे इसके लिए भुगतना ही पड़ेगा, और अब मैं एक काम कर सकता हूँ कि डेली मैं आपको 1 inch सोना दे सकता हूँ। 1 inch ऑफ गोल्ड हाउ, तो मदर बोलती है कि 1 inch सोना कैसे। एवरी डे सेड द स्नेक, स्नेक बोलता है डेली, तो बोलता है आई शैल कम टू द हाउस फॉर अ कप ऑफ मिल्क एंड व्हेन आई हैव ड्रंक इट, यानी मैं आपके घर पे डेली आऊँगा 1 cup दूध पीने के लिए, और जब मैं उस दूध को पी रहा हूँगा यू मस्ट कट ऑफ 1 inch ऑफ माई टेल, आप मेरी 1 inch पूँछ काट देना, इट विल टर्न इन टू गोल्ड, और वो पूँछ सोने में बदल जाएगी, बट इट विल हर्ट यू माई चाइल्ड, क्राइड सुजाता। अब सुजाता रोते रोते बोलती है कि लेकिन बेटा आपको तो बहुत दर्द होगा इसमें तो। नो मदर सेड द स्नेक, स्नेक बोलते नहीं माँ, इट विल नॉट डू मी एनी हार्म, वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। द ड्रीम वॉज ओवर, अब मम्मी का सपना टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है। द वुमेन गॉट अप,
एंड लुक टू सी इफ द स्नेक वॉज इन द रूम. तो वो जब उठती हैं वो देखती हैं कि क्या स्नेक उस रूम में है. बट इट वॉज नाउ वेयर, सॉरी नो वेयर. वो लेकिन सांप तो कहीं होता ही नहीं है. स्टिल शी बिलीव्ड इन द ड्रीम, शी न्यू इट वुड कम ट्रू. तो वो उसे अपने सपने पे भरोसा होता है और वो बोलती है कि मुझे पता है मेरा सपना ज़रूर पूरा होगा. सो फॉर टुडे आई थिंक दिस स्टोरी इज सफिशिएंट. वी विल कंटिन्यू आवर स्टोरी टुमारो. टिल टुमारो नाउ यू हैव टू रीड दिस चैप्टर अगेन एंड अगेन. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी. राइट, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.